ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्यौहार उपाय चैनल में। दोस्तों पति की लंबी उम्र उनकी सुख समृद्धि की कामना हर सुहागिन करती है। हर सुहागिन चाहती है कि उनके पति खूब तरक्की करें, उनकी उम्र लंबी हो और हम सभी सुहागनों का सुहाग अमर रहे। इस कामना की पूर्ति के लिए हम सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, साथ ही कजरी तीज का व्रत भी इसी उद्देश्य से रखा जाता है। कजरी तीज पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और निमड़ी माता की पूजा आराधना करती हैं। पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ये व्रत बिल्कुल हरतालिका तीज की तरह होता है। कजरी तीज के व्रत में भी सभी सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पालन करती हैं। वहीं अगर इस व्रत को कोई कुमारी कन्या रखती है तो वो अपने मन वांछित वर को प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कजरी तीज के व्रत से जुड़ी हुई सभी जानकारियां दूंगी जो कि आपको इस व्रत में काम आने वाली हैं, जैसे कि कजरी तीज की पूजा की तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, व्रत के पालन का समय क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि कजरी तीज की तिथि की शुरुआत कब होगी और इसका समापन कब होगा, साथ ही ये व्रत किस दिन रखा जाएगा। कजरी तीज भद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह व्रत 14 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। कजरी तीज की तिथि का प्रारंभ 13 अगस्त दिन शनिवार को रात को 12:53 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 14 अगस्त यानी दिन रविवार को रात में 10:35 पर हो जाएगा। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। कजरी तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त 11:59 से 12:52 तक का है। अगर आप पहली बार कजरी तीज की व्रत कर रही हैं या पूजा कर रही हैं तो मैं आपको जल्दी से एक बहुत ही सरल विधि बता देती हूँ कजरी तीज की पूजा की। कजरी तीज के दिन माता पार्वती के रूप में निमड़ी माता यानी नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएँ और कुमारी कन्याएँ भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें। घर में सही दिशा का चुनाव करते हुए यानी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ अपना चेहरा रखते हुए आप मिट्टी या गोबर से एक तालाब जैसा छोटा सा घेरा बना लें या फिर आप साफ सुथरे तसले के अंदर भी कर सकती हैं। गोबर या मिट्टी से बने उस घेरे में आप कच्चे दूध और जल को भर लें और उसके बाद उसके एक किनारे पर देसी घी का दीपक जला दें। इसके बाद एक थाली लें, उसके ऊपर जो भी पूजन सामग्री है जैसे कि केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत, ये सब सामान रख दें। बनाए हुए घेरे के एक किनारे पर नीम की एक डाल तोड़कर लगाएं। नीम की टहनी पर लाल चुन्नी उड़ा दें क्योंकि इस नीम की टहनी को आप माता पार्वती के स्वरूप पूज रही हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए माता निमड़ी की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत की तरह ही कजरी तीज के व्रत में भी रात में चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथ से पानी पीकर अपने व्रत को खोलें और निमड़ी माता को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करें। तो ये थी बहुत ही सरल पूजा विधि कजरी तीज का व्रत रखने की। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जो भी कजरी तीज का व्रत रखते हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें उनके साथ ताकि उनको भी ये सभी जानकारियाँ समय पर मिल जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। व्रत त्यौहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।